ग्रंथ का नाम है श्री उपदेशामृत। उपदेश किसको भी अमृत जैसा तो कभी नहीं लगता है, बड़ा गुस्सा आता है कोई अगर उपदेश देने आए तो, है ना। हम सबको उपदेश देना चाहेंगे, अगर हमें कोई उपदेश दिया तो तब तो सटक जाता है हमारा दिमाग, ये बड़ा आया उपदेश देने वाला। उपदेश किसी को पसंद नहीं है। हाँ सलाह पसंद है, मीन्स पसंद तो नहीं है पर हाँ कम से कम हजम कर लेते हैं, सलाह दिया ना मीन्स कोई दिक्कत नहीं। कोई उपदेश दिया ना, ये बड़ा आया उपदेश देने वाला भाई। उपदेश कभी भी किसी को सुहाता नहीं है या जमता नहीं है। पन भक्तों, जो शास्त्र का उपदेश है वो कैसा है, हमारे लिए अमृतमय है। और ये ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी पाद इस ग्रंथ को रचना किए और नाम दिए श्री उपदेशामृत। ये 11 घड़ा, कितना, 11 घड़ा का अमृत है, उपदेशों का अमृत है। 11 श्लोक है ना इसमें, तो 11 घड़ा का अमृत जैसा है। अमृत यानी ये ऐसे उपदेश हैं हमारे जीवन को अमृतमय बना देगा। बाकी संसार का हर एक उपदेश हमारा जीवन को जहर जैसा बना देता है कि नहीं। किसी का भी उपदेश आप सुन लो, इस संसार में कोई भी उपदेश ले लो, कोई अगर ऐसा उपदेश देता है, अगर आप ऐसे काम करोगे तो इतना धन कमा सकते हो, ये उपदेश कितना अमृत है हमारे लिए। विषय विष के बराबर है, विषय विष के बराबर है। विषय यानी जो विषय भोग है वो कैसा है, जहर की जैसा है। तो इस संसार का हर एक प्रकार का उपदेश हमें क्या प्राप्त कराता है, जहर विष है कि नहीं है। वो धन हो, ऐश्वर्य हो, हाँ या कुछ भी हो, कोई वस्तु हो या जन हो, जन्म धनम सुंदरिम कवितम, ये सारा इस संसार में जो भी उपदेश दी जाती है। और आजकल बच्चों को क्या सिखाया जाता है बचपन में ही, अच्छा इंजीनियर बन, अच्छा पैसा कमा, अच्छा लड़की को शादी कर, अच्छा घर बना, हाँ अच्छे से भोग कर, नहीं अच्छे से भोग कर, यही सिखाया जाता है। यानी अच्छे से जहर पीना, इंद्रिय भोग जहर जैसा है। और इससे ऐसा है, इंद्रिय तो कभी तृप्त होती नहीं है, कभी तृप्त नहीं होगी। इंद्रियों को कितना भी विषय दे दो आप, इंद्रिय कभी तृप्त होने वाला नहीं है। और उसमें भी अच्छा दूसरी बात है, इस संसार में जो भी उपदेश और शिक्षा दी जाती है वो जरूरत है, उस शिक्षाओं को नहीं देने से क्या कोई इंद्रिय भोग करता नहीं है। अगर आपको, आप किसी को सलाह दोगे नहीं या उपदेश दोगे नहीं कि ऐसे कमाओ ऐसे कमाओ, तो क्या नहीं कमाएंगे लोग, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, है जी। पाप करने के लिए, भोग करने के लिए बताने का जरूरत नहीं, ट्रेनिंग देने का जरूरत नहीं। ट्रेनिंग देने का जरूरत है तो कौन सा, जो बैरागी के बारे में ट्रेनिंग देना चाहिए। एक्चुअली एक्चुअली बच्चों को बैरागी सिखानी चाहिए, ना कि भोग। भोग सिखाने का क्या जरूरत है, पता है हमारे जन्म से ही इनबिल्ड है भोग करने का प्रवृत्ति, इसको अलग से सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है। भोग करने का प्रवृत्ति इनबिल्ड है, आंखों से सुंदर रूप देखने का इच्छा ये इनबिल्ड है, कानों से म्यूजिक सुनना ये इनबिल्ड है इच्छा, जीभा से स्वादिष्ट चीजें खाना ये इनबिल्ड है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, ठीक नहीं। बिना पढ़ा लिखा भी दारू का टेस्ट लेता है, पीने मीन्स पढ़ा लिखा भी दारू का टेस्ट ले लेता है, समझ आ रहा है। उसको सिखाने का जरूरत नहीं है मूर्ख को, जो पढ़ा लिखा नहीं है, देख भाई दारू को ऐसे ग्लास में डाल के उसमें आइस डाल के उसको ऐसे पीना चाहिए तब तेरे को मजा आएगा, बताने का जरूरत नहीं है। ये भोग प्रकृत भोग चीज ऐसे ही है, वो अपने आप उसको इनबिल्ड है, ये आदत है या प्रवृत्ति कह सकते हैं, प्रवृत्ति। वृत्ति यानी कार्य, प्रवृत्ति यानी प्रकृष्ट रूप का कार्य है, मीन्स विशेष कार्य है उसके लिए। उस प्रवृत्ति बन गया है, एक प्रकार का आदत बन चुकी है, तो इसके लिए इसके लिए ट्रेनिंग जरूरत है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार का सारे उपदेश हमें जहर तक पहुंचाता है,
कोई भी कितना भी करीब की मित्र क्यों ना हो, कितना भी सुहृद क्यों ना हमारा संसार का, भक्तों का बात अलग है। अगर भक्त नहीं है वो कितना भी सुहृद है, सुहृद समझ रहे ना, हमारे शुभ चिंतक, कितने भी शुभ चिंतक हो जाए, उसके सारे उपदेश अंत में जाके हमें जहर ही दिलाएगा, और क्या दिलाएगा। आप एक बार विचार कर लीजिए, ऐसा कौन सा वस्तु है जो हमारे प्रियजनों के द्वारा सलाह देने के बाद, उपदेश देने के बाद, वो वस्तु प्राप्त होने के बाद हमें जो है जीवन भर अमृत जैसा लगेगा, या हम अमृतमय हो जाएंगे? नहीं। पर भक्तों, ये ग्रंथ विशेष करके श्रील रूप गोस्वामी पद इसका नाम दिए श्री उपदेश अमृत। ये ऐसे उपदेश इसमें दिया गया है जो हमारे लिए अमृत जैसा है। जैसे कभी कभी खास करके हम काढ़ा पीते हैं, काढ़ा मीठा होता है या कड़वा होता है? कड़वा होता है, उसको मीठा बना के पीते हैं हम लोग। हम उसमें शक्कर डाल दें, गुड़ डाल दें, तो वो मीठा हो जाती है। नॉर्मली काढ़ा कड़वा ही होता है। वो नीम डाला जाता है, गिलोई डाला जाता है, ये सारे कड़वे चीज है। नीम, गिलोई इत्यादि ये सारे शरीर के लिए अमृत है। क्या है? शरीर के लिए अमृत वस्तु है कि नहीं है? पन हम उसमें थोड़ा जहर डालकर, शक्कर जहर है, जहर डालकर घोल के पीते हैं हम, बाकी वो तो है अमृत। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ये जो उपदेश है ना, हमको लगेंगे कड़वे, जैसे आपको नीम या गिलोय कड़वे लगेंगे, मगर है शरीर के लिए अमृत है। मैं सच बोल रहा हूं, यह है अमृत है। वैसे ही ये जो उपदेश है ना, ये जो अभी रूप गोस्वामी उपदेश दे रहे हैं, ये है हमारे लिए बिल्कुल अमृत है, मगर हमको कैसे लगेगा? सुनते सुनते जाएंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, हजम नहीं होगा, जचेगा नहीं, कड़वा लगेगा, नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, जमेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे उपदेश है। मगर ये हमारे लिए अमृत है। इसके लिए इसमें जो भी उपदेश है अमृत जैसा है। इसके लिए जो व्यक्ति इसमें दिया हुआ 11 मंत्र या 11 श्लोक है, 11 श्लोक को अच्छे से समझकर अपने जीवन में अपना लेगा, उसका जीवन अमृत में हो जाएगा। ये उपदेश अमृत है। समझ में आ रहा है? तो ये ग्रंथ को रचना किए रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के बारे में हमने चर्चा किए हैं थोड़ा बहुत, सनातन जी की चर्चा जब हुई थी तो इसका आमुख हमने चर्चा किए नहीं थे, तो इसका आमुख को हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर है आमुख, तो कोई एक जन पढ़ेंगे, आप में से कौन पढ़ सकते हैं हिंदी? हिंदी कौन अच्छे से पढ़ सकते हैं? हाँ, करुणानिधि प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। आमुख। कृष्ण वामनावृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। इसमें से वृंदावन में छठ गोस्वामी जिनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं, अंत एवं श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे हाईवे आकुति कवे हाम बुजबु से युगल पीरिते। जब मैं गोस्वामी द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तब मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो। ठीक है, ओके। सो श्री कृष्ण भामरामृत आंदोलन किनके अध्यक्षता में संचालित होता है? श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित हुआ ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन। श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद जो मुख्य रूप से इस गौड़ीय परंपरा को आगे बढ़ाने में छह गोस्वामी ने मुख्य रोल निभाया, और उसमें श्रील रूप गोस्वामी अध्यक्षता किए। क्या किए?
अध्यक्षता, उसको लीड रोल लिए इसका। वैसे तो सनातन गोस्वामी एज से बड़े हैं, सनातन गोस्वामी एज से बड़े हैं रूप गोस्वामी से, मगर रूप गोस्वामी इसका लीड लिए अध्यक्षता। तो गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट शिष्य हैं, महाप्रभु डायरेक्टली इन लोगों को दीक्षा दिए, ठीक है ना। गौड़ीय, कितना लोगों को गौड़ीय शब्द का अर्थ पता है? हम कभी कोई कहते हैं अच्छा हम गौड़ीय संप्रदाय से, हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से, मतलब कितना लोग को इसका अर्थ पता है कि गौड़ीय का अर्थ, अच्छा किन को नहीं पता है? दोनों में हाथ नहीं उठा रहे हो, पता भी नहीं है पता भी है ऐसा? एक दो कुछ लोग शर्म के मारे नहीं उठा रहे, प्रभु जी तो यार 6 साल से पढ़ा रहे इसके बारे में, अभी हाथ उठाएंगे नहीं पता है करके तो ये तो नाक कट जाएगी, इसलिए भी नहीं उठा रहे कुछ कुछ लोग हाथ। अरे नहीं पता है तो बताएंगे, पता है तो नहीं बताएंगे, सिंपल बात और क्या है। अगर पता है तो आप में से किसको पता है तो बताइए, आप बतला दीजिए हम सुनेंगे। आपको पता है? दिव्या माता जी को पता है, वो बताएंगे अभी। चलिए दिव्या माता जी आपको पता है ना गौड़े का शब्द का अर्थ बताइए। भक्तिभाव माता जी को भी पता है, वो भी हाथ उठा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जो गौड देश के थे वहां से स्टार्ट हुआ था? हाँ? गौड प्रदेश के, गौड देश के मतलब वो उधर के उन लोगों को गौड़ीय बोलते हैं। अच्छा गौड देश कौन सा है? नहीं पता प्रभु जी, ये बता। और कोई भक्ति भाव माता जी? कौन हाथ उठाए थे? कहाँ भक्ति माता? हाँ भक्ति भाव माता जी बोली। गौड़ी मीन्स राधा रानी का नेम आता है इसलिए गौड़ी है ऐसा? हाँ तो आपने सुना ही होगा ऐसे में सुना हुआ बिल्कुल। हाँ पक्का नहीं पता है, तुक्का मार रहे माता जी, हो सकता है ये। ओके ठीक है, लेक्चर में कहीं तो भी लेक्चर में सुना है लेकिन बहुत दिन हो गए ना इसलिए कंफर्म नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सुना तो है कहीं ना कहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। और चलो ठीक है बाबा, मैं बतला ही देता हूँ। ठीक है, एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ठीक है, श्री चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकर्ता वृंदावन के 3 अर्चा विग्रह श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी को सादर नमस्कार करते हैं। ये तीनों अर्चा विग्रह उन बंगाली वैष्णवों तथा गौड़ीय वैष्णवों की जीवनधार हैं, जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव, ध्यान से सुनिए, श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। पहले पॉइंट आया, जो महाप्रभु को पक्का महाप्रभु के अनुगमन करते हैं, फॉलो करते हैं महाप्रभु को, उनको गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। नेक्स्ट, इस कीर्तन का उद्देश्य भगवान के
साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है जिसमें पारस्परिक प्रेम रस का आदान प्रदान हो और अंत में प्रेमा भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति हो। ये तीनों अर्चा विग्रह मनुष्य के विकास की तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। गौड़ीय वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से रचित उन वैदिक स्तुतियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं जिसमें कृष्ण की उपासना मदन मोहन गोविंदेव गोपीजन बलम के रूप में की जाती है। ये वाला अर्पण पढ़ते हैं तो ठीक है। ध्यान से देखिए, गौड़ीय भारत के उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है। ध्यान से सुनना, विंध्या हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? गौड़ देश कहते हैं। और जो आर्यावर्त कहलाता है। भारत का यह भाग पांच भागों या पांच प्रदेशों में विभाजित है, इसको पंचगोड़ देश कहते हैं। ध्यान से सुनना, हिमालय पर्वत का दक्षिण से विंध्याचल की उत्तरी तक ये पूरा एरिया को आर्यावर्त कहला जाता है। इस आर्यावर्त जो है पांच प्रदेशों में विभक्त है, पांच प्रदेश मिलकर ये आर्यावर्त बनता है, उसको पंचगोड़ देश कहते हैं। ठीक है, एक तो सारस्वत जिसको काश्मीरी तथा पंजाब को कहा जाता है, ठीक है, दूसरा कान्यकुब्ज जिसको उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ शहर सम्मिलित है, मध्य गौड़ यानी मध्य प्रदेश, मैथिली बिहार तथा बंगाल का अंश तथा उत्कल बंगाल तथा बंगाल का अंश तथा पूरा उड़ीसा। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है क्योंकि एक तो ये मैथिली का अंश है और दूसरे हिंदू राजा राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगी। समझ में आ रहा है? फोटो खींच लो इसको, इस पैराग्राफ को। गौड़ जो है उसका वर्णन की गई है। बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है क्यों? क्योंकि ना इसका एक तो ये मैथिल का अंश है, ठीक है, दूसरा हिंदू राजा एक थे जो जिनका नाम है राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम भी गौड़ था। तो ये प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर हुआ और क्रमशः आज कौन से नाम से जाना जाता है? मायापुर, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। ठीक है, उड़ीसा के भक्तगणों को उड़िया कहते हैं, बंगाल के भक्तगणों को गौड़ियो कहते हैं, दक्षिण भारत के भक्तगणों को द्राविड़ कहते हैं। समझ में आ रहा है? उड़ीसा के भक्तों को उड़िया, बंगाल के भक्तों को गौड़ियो, दक्षिण भारत के भक्तों को द्राविड़ कहा जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? गौड़ी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया? श्री चैतन्य, पहले हमने दूसरी परपट में हमने क्या बताए थे, मीन्स पहला पैराग्राफ में क्या बताए थे? जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पक्के फॉलोअर से उनको गौड़ी कहा जाता है। अभी क्यों, उसका उत्तर यहां पर दिया गया लास्ट में, क्योंकि ये जो राजा लक्ष्मण सेन का राजधानी था गौड़, राजधानी का नाम, और वो गौड़ आगे जाके क्या हुआ? गौड़पुर, और आगे जाके क्या हो गया? मायापुर। समझाया? तो श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर में, इसलिए वो गौड़िया है।
ओके जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ ठीक है, चलो। तो चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोवर्स हैं उन्हें गौड़ीय कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि गौड़ीय वैष्णव जो है या बंगाली वैष्णव अधिकांश तो महाप्रभु के अनुयायी है, ठीक है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे है व्याकुति और कबे हम बुझावो ये जुगल प्रीति। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। यानी भगवान राधा और कृष्ण का प्रेम व्यवहार को समझने के लिए हमें छह गोस्वामियों की पदचिन्हों को अनुगमन करना पड़ेगा, है कि नहीं? छह गोस्वामी को अनुगमन करो। ओके, नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनकी माधुर्य प्रेम की लीला है। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए, अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पदचिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें छह गोस्वामियों, रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। अत्यंत गंभीरता पूर्वक इनका अनुसरण करना है, छह गोस्वामियों का। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामी के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिसमें हम शुद्ध वैष्णव बन सके। ध्यान से सुनना, महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में हमें क्या देखेंगे? अंत में उनका अंतिम जो देने महाप्रभु का 8 श्लोक है वो है श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम, ये 8 श्लोक है। और वैसे ही कहते हैं रूप गोस्वामी पर उनका देन क्या है? ये श्री उपदेशामृत, श्री उपदेशामृत। इसके लिए हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक इस उपदेशामृत को, कहा कहा गया है, क्या कहा गया है? उपदेशामृत प्रदान किया जिसमें हम शुद्ध वैष्णव बन सकते हैं। रूपज क्या कह रहे हैं? ये उपदेशामृत को कोई समझकर अपने जीवन में अपनाएगा तो शुद्ध वैष्णव बन जाएगा। 11 श्लोक आपको शुद्ध वैष्णव बना देंगे। हम बताइए कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा ना ये। इसके लिए भक्ति शास्त्री कोर्स में ये बुक पढ़ाया जाता है। ये बुक भक्ति शास्त्री लेवल वाला है। हाँ जी, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद भगवत गीता, ईशोपनिषद, ये 4 किताबें पढ़ाते हैं भक्ति शास्त्री में, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए। तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है हमारे बातें? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को बस में करना है। मन तथा इंद्रियों को बस में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। प्रत्येक व्यक्ति, बोल दिया प्रभुपाद जी, यानी उसमें हम भी आ गए, प्रत्येक व्यक्ति में हम भी हैं। और ये पक्का है हम रजोगुण तमोगुण में ही रहते हैं ज्यादातर। सत्वगुण तो कभी कभार हमें छू के चला जाता है, जैसे एक छुआछुई खेल खेलते हैं ना बच्चे, दौड़ दौड़ के जाके छू लेता है, तो कभी कभी वो सत्वगुण आके छू के निकल जाता है बस। बाकी
चौबीसों घंटा हम लोग या तो रजगुण में रहेंगे या तमोगुण में रहेंगे, और जितना भी पाप कर्म करते हैं रजो तमो के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, रजोगुण के और तमोगुण के प्रभाव से। जितना अपराध भी करते हैं, सत्वगुणी व्यक्ति अपराध नहीं करता है, अपराध का कारण भी रजो तमोगुण का है। बहुत क्रोध आना इसका कारण रजोगुण है, बहुत नींद आना तमोगुण है। तो ये सारा जितना भी अपराध और हम पाप हो जाती है हमसे, कहना कि हमारे सत्वगुण में कोई पाप नहीं करेगा सत्वगुणी व्यक्ति। कोई कोई व्यक्ति बोलता हम सत्वगुणी है, ब्राह्मण है, हम सत्वगुणी है, खाता है प्याज लहसुन दारू पिएगा, ओके सत्वगुणी बोलता अपने आप। कैसे हो सकता। तो यहाँ कहा गया है, कहते हम इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कम से कम हमें सत्वगुण तक उठना चाहिए। सत्वगुण तक उठ जाएंगे फिर हमें सारा चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। हमें चीजें समझ में नहीं आ रहा है, इतना बोलने के बाद भी दिमाग में घुस नहीं रहा है, उसका कारण यह है हम तो रजोगुण तमोगुण में फंसे हुए रहते हैं। तो इसके लिए कितना भी ज्ञान बोल दिया जाए वो कैसे हो जाता है, वो एक मटका में नीचे छेद है उसमें खूब पानी भरो, सारा पानी बह जा रही है, वैसे हम लोग का स्थिति है। हाँ ये सत्य बात है, हमारा स्थिति ऐसा ही है। कई दिनों से कई सालों से हम भक्ति की कई चीजों के बारे में हम सुनते हैं, मगर कैसे हो जाता है, पंचयार है, पंचयार होने के कारण सारा हवा निकल जाता है। यहाँ हवा भरो आप गाड़ी की टायर में, वहां पंचयार में सारा हवा चला जाता है। आप कोई गाड़ी पंचयार हो गया तो आपने हवा डाल दो, कितना समय चलेगा, आधा घंटा तक चल जाएगा कुछ जगह, 15 मिनट तक चल जाएगा, है कि नहीं, उसके बाद वापस दिक्कत होती नहीं होती है। वैसे ही है जब हम क्लास सुनते हैं 10-15 मिनट तो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, अरे यार ये सत्य ऐसे ही करना है, कल से ऐसे ही करूंगा या करूंगी, नहीं यार मैं शुद्ध भक्त बनूंगा, ये सारा झंझट है संसार में, तो ये सारा तो ऐसे ही भौतिक चीजें हैं, पूरा एक्टिव रहते हैं। कभी कभी उसके नेक्स्ट दिन सुबह ट्राई भी करते हैं मंगला के टाइम पे, बस उतना ही है, वो सुबह मंगला तक ही हमारा नशा रहती है, सारा नशा उतर जाती मंगला के बाद, फिर तो ऐसा नशा लगता है संसार का, फिर तो नेक्स्ट दिन तक तो फिर भजन ही छूट गया, जप ही। यह हम लोग का स्थिति है, क्यों, कारण यही है कि हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आते हैं। जो भक्त सतोगुण के प्रभाव में रहता है, सतोगुण में रहता है, वो जिंदगी में अपराध कर ही नहीं सकता है, किसको बुरा बोल ही नहीं सकता है, किसके साथ बुरा कर ही नहीं सकता है, और सत्वगुण व्यक्ति को अपने आप भजन में मन लगेगा। हमारा कितना भजन में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है भजन में मन, इसका कारण यह है हम तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में है भक्तों। तो जो भी है यहां पर प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि कम से कम मनुष्य को श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण पद तक उठाना चाहिए, ठीक है, तभी उसका आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये लाइन हमारा जीवन परिवर्तन कर देगा। एक ही लाइन को समझ जाएंगे, कृष्ण भावनामृत में प्रगति, कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। वापस पढ़ लीजिए ध्यान से, कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। हमारा
भक्ति का प्रगति अनुयायी कौन, हम, हमारे मनोवृत्ति कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए हम मंदिर में आके हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं मान लीजिए, मगर मनोवृत्ति एक लकड़ी का विग्रह मान रहा है, लकड़ी का मूर्ति मान रहे हैं। मनोवृत्ति क्या है, लकड़ी है, ये सामने पत्थर है। मतलब राधा कृष्ण का श्रृंगार करने आए, हम सोचते हैं पत्थर है, मनोवृत्ति हमारा क्या पत्थर का है। तो हमारा श्रृंगार करना भी भक्ति नहीं है, समझ में आ रहा है। हमारा प्रगति हमारा मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है, हमारा कैसा मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति यानी देखने की नजरिया, उसको कह सकते हैं मनोवृत्ति, मन का वृत्ति, मन का कार्य। एक चीज को देखेंगे, कोई ये देख रहे हैं, कोई इसको सोचता है मोबाइल है, कोई सोचता है डब्बा है, कोई सोचता है ये प्लास्टिक है, मनोवृत्ति है। अलग अलग प्रकार के विचार करना, क्या सोच सकते हैं परिस्थितियों में, हम क्या सोच सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं संत लोग, एक जूता फैक्ट्री वाला, एक जूता फैक्ट्री वाला जो मालिक है, उसने उसका एक कर्मचारी को बुलाया, बोला आप राजस्थान में जाओ, राजस्थान में जाके देखो अपना बिजनेस कैसे वहां पर चल सकता है, जूता फैक्ट्री, हाँ चप्पल वाला, चप्पल फैक्ट्री वाला। तो कर्मचारी आया, देखा कोई जूता नहीं पहना है, कोई भी नहीं पहना है, जाके रिपोर्ट दिया मालिक को, मालिक वहां तो अपना बिजनेस चलने वाला ही नहीं है, कोई नहीं पहनता है वहां पर। तो दूसरा कर्मचारी को भेजे, उसने आके देखा, जाके मालिक को बोला, मालिक अपना बिजनेस सबसे अच्छा राजस्थान में चलेगा, कैसे, कोई नहीं पहनता है तो हम सबको पहना सकते हैं चप्पलों को, कोई नहीं पहनता मीन्स हम सभी को वहां पर जूता पहनो चप्पल पहनवा सकते हैं, तो अपना बिजनेस अच्छा चलेगा। देखो देखने की नजरिया मनोवृत्ति ये है, एक आके क्या देखा, देखा हमारा वहां बिजनेस नहीं चलेगा क्योंकि ना कोई जूता ही चप्पल ही नहीं पहनते वहां पर। दूसरा व्यक्ति, सबको पहना सकते हैं हम लोग तो, अपना बिजनेस सबसे अच्छा चलेगा, ये मनोवृत्ति है जी, ये मनोवृत्ति है। सेवा हो, कोई वैष्णव को देखने से, भागवत पढ़ने से, जप करने से, हमारा मनोवृत्ति क्या है, हमारा मनोवृत्ति क्या है, समझ में आ रहा है। मनोवृत्ति पहले समझ आई, मनोवृत्ति समझ में समझ जाएंगे तो हम समझ हमारा भक्ति में हम मीन्स करेक्शन कर सकते हैं हमारा जीवन में कि मेरा कहां रॉन्ग हो रहा है। सबसे बड़ा परेशानी तो मुझे ऐसे बोल दिया प्रभु जी ने यार, ओहो मुझे ऐसे बोला, उसको नहीं बोला मुझे क्यों बोला, मनोवृत्ति, मनोवृत्ति। अच्छा मुझे ऐसे बोले, एक मान लीजिए किसी को गुरु महाराज जी बोलेंगे कि हे मायापुर वासी दास, बोलेंगे कि आप इतना क्रोध क्यों करते हो, नहीं क्रोध करना चाहिए आपको, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं क्या सोचूंगा, यार गुरु महाराज जी मेरा कितना अच्छा काम मैंने किया वो तो देखे नहीं, मेरा क्रोध को देखे महाराज, मुझे एक भी प्रशंसा नहीं किए, नजरिया देखिए, मनोवृत्ति देखिएगा। वही जगत पालिका माता जी बोले, जगत पालिका माता जी आप ठाकुर जी का श्रृंगार इतना अच्छा और अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा करते हो और अच्छा कर सकते हो। जगत बोल रहे ठीक ठीक है गुरु महाराज जी, थैंक यू गुरु महाराज जी। नजरिया माता जी उसको पॉजिटिवली लेंगे, मैं उसको नेगेटिवली लिया, महाराज उनको भी डांटा मुझे भी डांटा। मान लीजिए श्रृंगार का ही हो, बोले कि माता जी आपने जो पिन लगाया वहां पर
पगड़ी में वो पिन भगवान को टच हो गया है, ऐसे कैसे पिन लगा दिया आपने? मान लीजिए डांट के बोले गुरु महाराज, तो माता जी वहां रो पड़ेगी, महाराज मैं इतना सेवा की आपने पिन ही दिखा, इतना श्रृंगार में एक पिन दिखा क्या? तो माता जी ऐसे स्वीकार की कि ओ अच्छा अच्छा वो पिन भगवान को टच हुआ ना, हाँ नहीं होना चाहिए, अपराध है, इसको पॉजिटिवली लिया। मान लीजिए दूसरा भक्त को बोले वही चीज, उसने अरे मैंने इतना सुबह ठंड में उठ के आता हूं मंदिर में श्रृंगार करने और मुझे क्या बताया, बोले आपने मेरा कमी दिखा दिया श्रृंगार में। दूसरा इस प्रकार से लिए मनोवृत्ति, देख रहे हैं ना, एक दोनों को एक ही चीज मान लो बता दिया जाएगा कि आपने श्रृंगार में ये कमी है और उनको भी बताया आपके श्रृंगार में कमी है, दोनों का नजरिया एक तो बहुत पॉजिटिवली स्वीकार किए, ओहो नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए ना, अपराध है ना, तो नेक्स्ट श्रृंगार से हम ध्यान रखेंगे। दूसरा भक्त नाराज, मैं आऊंगा ही नहीं, दोबारा मुझे बुलाना मत श्रृंगार में, हम नहीं आएंगे, मैं इतना मेहनत करके आता हूं और आपने मुझे ऐसे कह दिया, थोड़ा छोटा मोटा गलतियां तो आपको माफ कर देना चाहिए श्रृंगार में। तो ये नजरिया है, या फूल हार बनाने में हो, या कुकिंग में हो, या झाड़ू मारने में हो, या प्रवचन देने में हो, या कीर्तन करने में हो, किसी में भी हो, हमारा क्या मनोवृत्ति क्या चल रही है। मान लीजिए भक्त कीर्तन कर रहे हैं मंदिर में, ठीक है, कीर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी के सामने, उनका मन में चल रहा है कि कोई देख रहा है कि सुन रहा है कि नहीं मेरा कीर्तन में कितना अच्छा गा रहा हूं। और एक भक्त है वो कीर्तन कर रहे हैं, उनके मन में क्या है कि ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे मेरे कीर्तन में, मनोवृत्ति देखिएगा बहुत अंतर है। दोनों कीर्तन कर रहे हैं, दोनों कीर्तन कर रहे हैं, एक के मन में क्या चल रहा है, सब लोग मुझे वाह वाह करेंगे नहीं करेंगे कीर्तन के बाद, मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं मैं कीर्तन इतना अच्छा गा रहा हूं, और एक भक्त ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते मेरे मेरे कीर्तन में, ये दोनों मनोवृत्ति अलग अलग। तो हम क्या सोचते हैं उसके ऊपर हमारा भक्ति टिका हुआ है। अगर हम हर चीज में भक्ति में पॉजिटिव देख के चलेंगे तो हमारा जीवन में भक्ति के जीवन में कोई बाधा ही नहीं है, कोई बाधा नहीं। कोई बुरा बोल दिया भक्त, कोई बुरा बोल दिया, हम तो छोटे छोटे चीज में तिलमिला जाते हैं, छोटे छोटे चीजों में तिलमिला जाते हैं, बड़ा बड़ा चीज हमारे सामने आएगा तो हम क्या नहीं कर लेंगे, सोचिए। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, ये लाइन रट लेना, हर कार्य में इस लाइन को सामने लाओ। मैं अभी को जो करने जा रहा हूं या जा रही हूं किसके पीछे मेरा मनोवृत्ति क्या है, बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है? वंदना मत समझ में आ रहा है? मनोवृत्ति, जब तक हम अच्छा नहीं देखेंगे भक्ति में तब तक हम संसार की बुराइयों से हट नहीं पाएंगे, ध्यान रखना। जब तक भक्ति में अच्छा दिखेगा नहीं, हम भक्ति में आने के बाद भी क्या देखते हैं, यहां भी कमी है, यही सबसे बड़ा परेशानी है हमारा जीवन में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम मंदिर में आके भी, भक्ति में आके भी, भक्तों के अंदर भी कमी देखते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा भक्ति में। कोई एक प्रभु जी को हमने पूछा था एक समय कि प्रभु जी हम भक्तों के अंदर इतना कमी देखते हैं क्यों ऐसा, प्रभु जी बोले कि प्रभु थोड़ा विचार करो, अगर बाहर संसार में अगर देखने जाओगे क्या गुण है किसके पास, कोई गुण देखते हो बाहर के संसार में जो भक्ति में नहीं है उसके अंदर क्या गुण है, हरावावक्तस्य कुतः महत गुणा, जो भगवान की भक्त नहीं है उसके पास क्या महत गुण है उसके पास, और जो भक्त है उसके पास क्या कमी है। तो कभी कभी तुलना करनी चाहिए, अगर कोई भक्तों के अंदर कमी दिखता है तो तुलना कर लो, फटाफट तुलना करो कि ये बाहर की दुनिया का कोई व्यक्ति के सामने तुलना करोगे तो ये डायमंड है, वो अगर कोयला है तो ये डायमंड है सामने वाला भक्त।
नशा नहीं कर रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, जुआ नहीं खेल रहा है, हाँ हाँ जी, मांस भक्षण नहीं कर रहा है, जप करता है, मंदिर आता है कभी कभार, मान लो साल में एक बार मंदिर आता है, कथा में आता है ये व्यक्ति, अरे तिलक धारण करता है कभी कभी, कंठी धारण किया ये व्यक्ति, आप बताइए इसमें अंदर क्या कमी है। ये नजरिया, ये मनोवृत्ति है। प्रभु जी कैसे भक्त हो, भक्त हो कभी ऐसे कर रहा है, आप कैसे भक्त हो, भक्त हो कभी भक्त का कमी देख रहे हो, कभी देखा, कभी अपने आपको देखा, मैं भक्त कहलाता हूं और दूसरे भक्त का कमी देख रहा हूं, मैं कैसा भक्त हूं, मैं कितना थर्ड क्लास भक्त हूं, एक बार विचार करना चाहिए, मैं कितना नीचे गिर गया हूं कि मुझे कमी दिखाई दिया, उसका गुण नहीं दिखाई दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके शिष्य लोग कभी जाके कंप्लेन करते किसके बारे में, झगड़ के हुए जाते, मान लो दो शिष्य कभी कुछ मतभेद होती है तो जाते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज के पास, अगर कोई जात कंप्लेन करता है उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, तो उनको बुलाते हैं, दूसरे भक्त को बुला के दोनों को बिठाते आमने सामने, कहते हैं अच्छा आप इनका कोई अच्छा गुण है तो बताओ, तो बताने लगता है कि अच्छा कीर्तन करते हैं, अच्छा कुकिंग करते हैं, अच्छा मृदंग बजाते हैं, अच्छा, फिर इन दूसरे वाले भक्त को अच्छा इनका कोई गुण है आपने कभी देखा, बोला हाँ क्या, हमारा जी अच्छा गाड़ी चलाते हैं, ये अच्छा साफ सफाई करते हैं मंदिर का, फिर बोलते अच्छा अभी बताओ इनका कोई अवगुण बताओ, कोई अवगुण तो नहीं दिख रहा है, उनको पूछे तो जाओ ठीक है, दोनों लोग गले मिलो, चलो निकलो, हो गया सॉल्व सॉल्व। जब गुण देखने लगते हैं सारा झगड़ा ही खत्म है वहां पर, झगड़ा कहां होती है, जहां अवगुण देखते हैं, जब गुण देखते हैं तो झगड़ा कहां है, झगड़ा निपट जाती है। किसी के ऊपर क्रोध आता है कोई भक्त के ऊपर, तो थोड़ा सा शांति से 10 मिनट उनके अच्छे अच्छे गुणों को याद करना, कभी भी ऐसे हो जीवन में, कभी ऐसा परिस्थिति आ जाए किसी भक्त को ऊपर बहुत क्रोध आएगा, आपको बहुत क्रोध आएगा, तो उसको बारे में विचार करो 10 मिनट, इसका अच्छे गुण क्या क्या है, मैं लिख के देता हूं कि कुछ तो कुछ अच्छा गुण निकलेगा उसका, कुछ तो कुछ, भगवान ने ऐसा कोई किसी को बनाया नहीं कि उसका कोई गुण ही नहीं दिया है, निर्गुण ही बना दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो अच्छा गुण मिलेगा ही मिलेगा। जब आप अच्छा गुणों को स्मरण करेंगे ना, तो आप देखना आपके उसके प्रति द्वेष, आपका ईर्ष्या सब खत्म ही हो जाएगा, यार मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, जीरो हूं उसके सामने। आप देखना दूसरों का अच्छा गुण देख, एक्चुअली यही तो हमारा प्रॉब्लम है, हम दूसरों का अच्छा गुण देख नहीं पाते हैं, मगर अगर हम जांचेंगे सच में दिल से ईमानदारी से, अगर दूसरों का अच्छा गुण अगर देखना चलेंगे, तो हम देखेंगे हम तो उनके सामने जीरो है, बहुत बड़ा, कितना आगे है मेरे से ये भक्त, मैंने किया ही क्या भक्ति में, यह भक्ति है जी। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, हमारा मनोवृत्ति कैसा है, भगवान वहां कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यभिचारी व्यक्ति भी अगर मेरा भजन करता है तो साधु है, व्यभिचारी व्यक्ति भी मेरा भजन करता है तो साधु है। भगवान ने स्वयं कहा है। तो कोई सेवा में कमी हो, स्थान में कमी हो, भक्तों में कमी हो, किसी में भी कमी हो, तो उसमें गुणों को देखना, अगर मनोवृत्ति चेंज करना है तुरंत तुरंत मनोवृत्ति चेंज कर लो, तो क्या होगा, हम भक्ति में कभी भी डबाडोल नहीं होंगे, बच जाएंगे, और हमारा भक्ति में प्रगति दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति होने वाला है, अगर हमारा मनोवृत्ति चेंज कर देंगे तो। भक्ति का अर्थ यही है, मनोवृत्ति को चेंज करनी है, पहले भी जो सोच रहे हैं अभी भी ऐसे ही सोचेंगे तो फिर क्या फर्क है, भक्त बनने के बाद, भक्ति के आने से पहले जैसे सोचते थे, जैसे थर्ड क्लास की विचारधारा है,
अभी भी वैसे ही विचारधारा रखेंगे तो क्या चेंजेस हुआ हमारा, हम क्या भक्ति कर रहे हैं? अपने आप को तो बहुत बड़ा भक्त बोलते हैं और ऊपर से थर्ड क्लास के विचार है हमारा दिमाग में, तो कहां हमको चेंज हुआ हमारा भक्ति में, कैसे प्रगति हुआ, विचार करो। इसके लिए कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। हाँ करुणा माता जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ क्या रवि प्रभु, लगता है आपके बांसवाड़े में ठंड बहुत है, दरियाबाग में। तो होमवर्क नोट करो, इस बार क्या होमवर्क दिया था मुझे याद नहीं था। दिव्य माता जी बोले आपने कुछ दिया ही नहीं प्रभु जी, अब मुझे तो स्मरण नहीं था, मैं तो मंद बुद्धि वाला, कुछ तो बोला था पता नहीं। अभी अभी नोट कर लो, होमवर्क यह है कि मनोवृत्ति के ऊपर पांच पांच उदाहरण पेश करनी है आपको, पांच उदाहरण मिनिमम। मनोवृत्ति के ऊपर पांच उदाहरण चाहिए, जैसे हमने अभी कितने उदाहरण दे दिया, एक चप्पल का उदाहरण दिया, एक मंदिर में भक्तों के प्रति का जो नजरिया उसके ऊपर उदाहरण दिया, एक सेवा के ऊपर हमने दिया जैसे श्रृंगार हो गई है, वैसे आपको पांच उदाहरण लिखनी है। समझ में आ रहा है? पांच उदाहरण, ये आपका होमवर्क। आप अपना ही उदाहरण को ले लेना, अपना जीवन में कहीं घटित हुआ होगा जीवन में, उदाहरण ले लेना कि मैं उस समय ऐसे सोचा था मगर ऐसे हुआ। नजरिया, ठीक है? हाँ मोहित प्रभु, ठीक है ना? तो कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हमारे अनुयायी जो इस्कॉन की फॉलोअर है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो अनुयायी हैं, उन्हें पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए, आधा अधूरा गोस्वामी नहीं, पूर्ण गोस्वामी। यहाँ पर प्रभुपाद जी नहीं बोले जो ब्रह्मचारी सन्यासी ने गोस्वामी बनना चाहिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी सभी के लिए बोले, वो स्त्री हो, वो पुरुष हो, माता जी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सभी को गोस्वामी बनना चाहिए। गोस्वामी का अर्थ बताएंगे आगे। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालन यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहते हैं उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। गोस्वामी का अर्थ क्या है? इंद्रियों का स्वामी, उसको गोस्वामी। गो का अर्थ क्या है? इंद्रियां। स्वामी का अर्थ क्या है? प्रभु या स्वामी। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को बस में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में श्रीमद श्री भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं। उन्होंने अनेक अनेक अन्य पुस्तकों भी लिखा है, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव, लेकिन उपदेशामृत नए भक्तों के, ध्यान देना, ये उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। तो आप में से कुछ बोल सकते हैं, हम तो पुराने हो गए प्रभु जी, हमें तो ये जरूरत ही नहीं है उपदेश है, ये नए भक्तों के लिए, ये मायापुरवासी के लिए है, जो जो नए उनके लिए, हम तो बहुत पुराने हैं। अगर हम पुराने हैं अब तक ये उपदेशों को फॉलो नहीं कर रहे, मीन्स हम तो नए से भी गए गुजरे। हम अगर पुराने हैं और ये उपदेश हमें पता नहीं है, ये फॉलो ही नहीं कर रहे, तो हम तो नए भी नहीं है, हम तो बहुत से भी नीचे हैं। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्णा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी का साइन कोई कॉपी नहीं कर सकता, देख लो आप साइन, ये साइन कौन कॉपी कर पाएगा, अद्भुत साइन है, गोलोक वृंदावन का साइन है। अब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीलो स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी।
तो देखिए आमुख कितना महत्वपूर्ण, प्रभुपाद जी ने कहा क्या महत्वपूर्ण बातें कही। पहला तो हमें गोस्वामी को पद चिन्ह में चलना, दूसरा तो हमें क्या करना है, गौड़ीय बनना है, चैतन्य महाप्रभु की पद चिन्हों में उनके अनुयायी बननी है, पक्का अनुयायी अनुयायी बनना है। तीसरा हमें क्या है, सत्वगुण तक ऊपर उठना चाहिए, तो उपाजी ने बोला सत्वगुण तक ऊपर उठना चाहिए। चौथा हमारे मनोवृत्ति, भक्ति जो है मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, हमारा मनोवृत्ति चेंज करना चाहिए भक्ति में आने के बाद, है कि नहीं। और पांचवा है ये उपदेश अमृत के उपदेशों को हमें बहुत ही दृढ़ता से कठिनाई से पालन करनी चाहिए, और ये उपदेश हमारे लिए अनिवार्य है। तो आप लोग ये आमुख मैं आपको भेज दूंगा, इसमें आप लोग मेन मेन पॉइंट्स कैसे निकाल के लिखते हो मैं देखता हूँ, नोट्स सभी को बनानी है। ये आमुख में से मेन मेन पॉइंट, जैसे हमने चार पांच पॉइंट्स बताया, ऐसे आप क्या क्या पॉइंट्स यहाँ से निकाल सकते हो, ये आमुख से आपको निकाल के नोट बना के ग्रुप में डालना है, ठीक है। तो हमारा चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो हमने चर्चा किए थे छ वेग, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतन वेगान यो विशेत धीर सर्वामपि मां प्रतिबिंब सशिष्यात्, है ना। हमने छह वेगों के बारे में चर्चा प्रारंभ किए थे, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग और जननेन्द्रिय उपस्थ का वेग। ये छह वेगों को जो कंट्रोल कर लिया है, बस में कर लिया है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, पूरा संसार में शिष्य बना सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी प्रारंभ में प्रायश्चित के बारे में बतला रहे थे लास्ट टाइम, प्रायश्चित। तो प्रायश्चित जो है उसको यहां पर भागवत से उदाहरण लेके बतलाया कि ऐसा जो प्रायश्चित है वो हाथी के स्नान के बराबर है। कैसा प्रायश्चित, जो प्रायश्चित के बाद भी हमारा पाप करने का प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है, वो प्रायश्चित हाथी के स्नान के बराबर रहे, ये प्रभुपाद जी ने हमें बतलाया है, ठीक है। अभी कहां तक हुआ था आप लोग बताइए, ये हो गया था, यहां तक हो गया था शायद ने कि कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार है, अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार ना करना, नशा ना करना, जुआ ना खेलना। शिलो रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक हो गया था हमारा, राइट, सही बात है। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा भक्त, बहुत ही सुंदर उपदेश। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, पहला उपदेश क्या दे दिए, अपनी वाणी के ऊपर जवान को लगाम दे, मूर्ख उसको शुद्ध भाषा में वाणी को कंट्रोल कर करके कह रहे है कि नहीं। तो हम लोग जितना भी अपराध करते हैं या जितना भी क्या बोलते हैं, मित्र कोई बनता है या शत्रु बनता है हमारे वाणी की वजह से, किसी को प्रेम से बोला हरे कृष्णा पधारिए आप प्लीज वेलकम, और किसी को बोलेंगे आ जाता है बार बार प्रसाद लेने, प्रसाद प्रसाद है मंदिर में बस प्रसाद खाने आते हो, ऐसे बोल दिया। अब बताओ दोनों तो दोनों है, वाणी ही है, एक में तो व्यक्ति बहुत प्रिय बन जाएगा आपका, एक में बेचारा बिछड़ जाएगा मंदिर से। वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव है जी, वो एक महात्मा आंख से सुर था, अंधा था, वो बैठकर वो ध्यान कर रहा था महात्मा जी, तो एक राजा और एक मंत्री और एक उनके सिपाही तीन लोग जंगल में आए थे, और बेचारे कुछ कारण बस अपना अपना रास्ता भटक गए, सिपाही एक तरफ निकला और
मंत्री एक तरफ निकले तो राजा एक तरफ, फिर आपस में ढूंढ रहे मिल नहीं रहे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये लोग आपस में ढूंढ रहे थे, जंगल के अंदर से जा रहे थे, तो जो सिपाही था वो महात्मा जी वहां बैठ के जो ध्यान कर रहे थे उनको जाके बोले कि ओ महाराज यहां से कोई जाते हुए देखा क्या? बोले ना जी हमने नहीं देखा। महात्मा जी बोले हमने नहीं देखा, तो चल दिया वहां से। मंत्री आए उसके बाद में कुछ समय के बाद, बोले महाराज किसी को जाते हुए देखे क्या यहां से? बोले नहीं हमने किसी को नहीं देखा। वो निकल गए, लास्ट में राजा आए। राजा आके क्या किए, प्रणाम किए, महाराज जी प्रणाम, उनके चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करके और धीरे से बैठ के बोले अगर कुछ आपका अनुमति हो तो हम कुछ पूछ सकते हैं आपको। बोले कि ठीक है पूछिए। उन असुर थे, दिख नहीं रहे महात्मा जी को, अंधे थे, तो उन्होंने पूछा कि महाराज इस रास्ते से कोई गए क्या, कोई गुजरे क्या, इस रास्ते से कोई गए क्या? बोले कि हाँ महाराज, पहले सेना आपका सिपाही गया, उसके बाद आपका मंत्री गया, अभी आप राजा आए हैं। तो राजा चौंक गया, इसको तो दिख नहीं रहा है और ये पूरा एकदम स्पष्ट बोल रहा है कि पहले जो सिपाही गया है उसके बाद मंत्री गया, अभी मैं राजा हूं, दिख तो नहीं रहा है, कैसे बतला रहा है, इसके आसपास कोई है भी नहीं ऐसा। तो उन्होंने बोले कि अगर महाराज आपका आज्ञा हो तो मैं और कुछ पूछ सकता हूँ, पूछिए। बोले आपको तो दिख नहीं रहा है आंखों से, आपको कैसे पता चल गया कि पहले मेरे सिपाही गया उसके बाद मेरा मंत्री गया अभी मैं राजा हूं करके? बल्कि महाराज सिंपल बात है, आपका सिपाही आया उसका व्यवहार ढंग नहीं था, वो सीधा बोलता है महाराज किसको देखा है क्या यहां से जाते हुए, उसको सभ्य वचन बोलना नहीं आता है। तो मैं समझ गया कि ये सिपाही हो सकता है ऐसे बात कर रहा है। तो मंत्री थोड़ा सभ्यता से पूछा, और आप राजा, आप तो आके प्रणाम करके मुझसे आज्ञा लेके पूछ रहे हो कि कोई गए कि आपने देखा क्या कर। देखो वाणी से व्यक्ति का नेचर पता चल जाता है, नेचर ही वाणी से सामने वाले का नेचर ही पता चल जाएगा किस प्रकार का व्यक्ति है। इसके लिए अपनी वाणी को हमेशा मधुर रखना है, बहुत जरूरी है। तो यहां पर कहते हैं सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखनी चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है, और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं, है कि नहीं है? अवसर चाहिए बस बोलने के लिए, प्रभु हमें बस बोलने का अवसर दो, दे के देखो हम तहलका मचा लेंगे। सुनने का अवसर आएगा तो सुनेंगे नहीं, बोलने का मौका दो बस, फिर तो देखना माइक हाथ से छूटेगा नहीं हमारा, इतना बोलेंगे। तो ये हर एक व्यक्ति का प्रवृत्ति है, समझ रहा है क्या है, हम सभी का इस प्रकार का बोलने की प्रवृत्ति है और हम बोलने भी लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावना अमृत की बात नहीं करते तो केवल व्यर्थ की अनेकों बातें करते रहते हैं। आप बताइए हम जीवन दिन भर में 24 घंटे में कितना समय कृष्ण भावना अमृत का बातें करते हैं, भक्ति के बारे में, जप के बारे में, भक्तों के बारे में, कितना समय? हाँ जी, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, ऑफिस में, घर पे, मार्केट में कृष्ण का चर्चा करते हैं और बोलते तो खूब बोलते हैं, मगर यहां पर कहते हैं ये व्यर्थ की बातें हैं, सिर्फ व्यर्थ है। जिस तरह प्रभुपाद जी उदाहरण दे देते हैं संसार की बातें कैसे है, जिस तरह मेंढक खेत में टरटराता है उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीव है वो बोलना चाहता है, भले उसे जो कहना है वो मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो मगर बोलना चाहेगा, भले कोई पसंद भी नहीं करे तो भी बोलेंगे, हमारा आदत ही ऐसा है, बोलना चाहेंगे। लेकिन मेंढक के टरटर सर्प को आमंत्रण करती है, जहां यहां आओ और मुझे खाओ। मेंढक करके आप लोग पता नहीं, मेंढक समझ में आ रहा है, मेंढक करके कुछ एक जीव होता है, 84 लाख जीव में एक मेंढक है। बोलना पड़ता है भाई, आजकल मेंढक बोले ये मेंढक क्या होता है यार,
मेंढक एक होता है, वो खास करके बारिश के मौसम में टर 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 आवाज करता है, हमने गांव में देखा है, यहां तो आपने कभी नहीं देखा होगा। हाँ, खेतों में मेंढक टर 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 आवाज करता है, और हम देखते हैं, हम देखा है कि आधा घंटा एक घंटा टर टर करेगा, उसके बाद चुप, मतलब क्या हो गया, कि सांप आगे पकड़ लिया होगा। सांप तो वेट करता रहता है, बस इसका आवाज जैसे सुनता आके पकड़ निकल लेता है। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दी यहां पर, बहुत सुंदर उदाहरण है। हमारा जो बोलना है ना सांसारिक बातें, ये कैसा है, एक मेंढक के टर 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 के जैसा है। यानी हम संसारी बात जितना बोलते हैं, हम मूर्तियों को आमंत्रण करते हैं, आइए आइए आइए, हमें खाइए, हमें खा लीजिए। जैसे मेंढक के लिए सर्प मूर्तियों है, वैसे हमारे लिए काल मूर्तियों है। जो फालतू का बोलता रहता है ना, उसका आयु घट जाती है, फालतू का कोई मतलब नहीं बोलता रहता है, उसका आयु घट जाती है। तो प्रभुपाद जी आज को यहां पर कहते हैं, यद्यपि यह मूर्ति को आमंत्रण देना है, फिर भी मेंढक टरटराता है। भौतिकतावादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों को बोलने की तुलना मेंढक के टरटराने की टरटराने से की जाती है। ये नोट कर लीजिए आप, भौतिकतावादी और मायावादी, ये दोनों का जो बातें हैं, ये मेंढक के टरटराने के साथ तुलना की गई है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते हैं रहते हैं, और अपने को पकड़ाने के लिए मूर्ति को आमंत्रित करते रहते हैं, लेकिन वाणी की संयम का अर्थ है अपने पर थोपी गई चुप्पी नहीं। कोई बोलेगा ठीक है प्रभु जी, कल से तो हम मौन व्रत धारण करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्या फायदा है, एक दिन नहीं बोलेंगे, दूसरे दिन 10 दिन का बोलेंगे, तो क्या फायदा वो मौन। कुछ लोग हम देखा है, कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं कभी कभी, और लोग बोलते हैं कि ये मौनी बाबा है, ये महीने में एक दिन मौन व्रत रखते हैं, बाकी दिन उनका सुन लो, फालतू की बातें करेंगे, काहे का मौन, ये से मौन किस बात का। प्रभुपाद जी कहते हैं सिर्फ चुप रहना ही वाणी का कंट्रोल नहीं है, चुप रहना ही वाणी का संयम नहीं है, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायता प्रतीत हो सकती है, लेकिन अंततः तो वह विफल हो जाती है। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं, उसका अर्थ है कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। समझ आ रहा है, वाणी की नियंत्रण का अर्थ है भगवान की गुणगान करना, उसको वाणी का नियंत्रण कहा गया है। इस प्रकार जीव भगवान के नाम रूप गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है, वाणी की वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। जो भगवान के बारे में बोलता है वो मृत्यु से दूर रहता है। अगर इतना ही बोलने का इच्छा है, बोलो कथा, देखते हैं कितना बोल सकते हो। सुखदेव गोस्वामी 7 दिन बिना रुके बोले, 1 मिनट भी रुके नहीं सुखदेव जी, 7 दिन तक बोले। अगर दम है बोल के दिखा, भगवान की कथा है कितना बोल सकते हो। कभी कभी ऐसा कंपटीशन होना चाहिए भक्तों के अंदर, चलो बोलो कितना कथा बोलते हो, अभी पता चलेगा, बहुत बोल रहे थे ना, अब बोलो। आधा घंटा भी नहीं बोल पाएंगे हम, 15 मिनट भी नहीं बोल पाते हैं, और आप कोई दूसरा टॉपिक दे दो, बाप रे बाप। शादी के बारे में किसको बोलो, शादी का बारे में थोड़ा चर्चा करो, शुरू करो आप, सामने वाला ही एंड करेगा, एंड तो होगा ही नहीं पहली बात। क्रिकेट के बारे में प्रारंभ करो, फिल्मों के बारे में प्रारंभ करो, आजकल के पॉलिटिक्स के बारे में प्रारंभ करो, खत्म होने का नामो नहीं लेगा ऐसे चर्चा है। मगर कृष्ण के बारे में चर्चा प्रारंभ करते ही बंद करो यार, दिमाग खराब है, ये स्थिति है। मगर असलियत में वाणी का आप लोग वीडियो क्यों ऑफ करके बैठे हो भाई, हम भी वीडियो ऑफ कर देते हैं, बढ़िया है, आप वीडियो ऑफ करके रखना फिर, ठीक है।
हम कितने बार निवेदन करते हैं, कोई सुनता ही नहीं। हमारा क्लास में वीडियो ऑन नहीं कर सकते हो तो निकल जाओ क्लास से। हमारा क्लास में नियम है, मेरे क्लास में आते हो तो आपको वीडियो ऑन रखना है। तो असलियत में हमारे वाणी की नियंत्रण तब होगी जब हम भगवान की गुणगान में अपने वाणी को लगाएं, तो कोई भक्त प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी प्रैक्टिकली तो नहीं है ना, घर गृहस्थी में है प्रभु जी, बिजनेस व्यापार करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते, तो प्रैक्टिकल कैसे होगा ये, 24 घंटा तो नहीं कर सकते हम। हाँ जी सही बात बोला तन्या माता जी, सही है ना, 24 घंटा तो हम कृष्ण का कथा बोल के तो बैठ नहीं सकते हैं। बात यह है हमारे कॉन्शियसनेस क्या है, अभी हमने विचार किया ना, हमारा मनोवृत्ति क्या है, हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्या सोच रहे हो महत्वपूर्ण है। हाँ बहुत जरूरी है, बोलना तो है ही है अपने आप में विशेषता, मगर हम सोच क्या रहे हैं। मान लीजिए हम ऑफिस में किसको डांट रहे हैं, प्रभुपाद जी भी डांटते थे, प्रभुपाद जी भी फटकारते थे गलती करने पर, वो जोर से डांटते थे, और उसके पीछे उनकी कल्याण का उद्देश्य है, उनको कृष्ण में और नजदीक लाने का उद्देश्य है। जब गुरु वैष्णव डांटते हैं तो हमें कृष्ण के नजदीक लाने के लिए डांटते हैं। देखिए तो इसके लिए 2400 घंटा प्रभुपाद जी ने कहा 24 आवर्स हम कृष्ण भावनामृत का ही कार्य करते हैं। एक गृहस्थ अपना जीवन को पूर्णतया कृष्ण भावनामृत बना सकते हैं, कैसे, हर एक कार्य का उद्देश्य अगर कृष्ण की प्रसन्नता कर दे तब तो उसका गृहस्थ जीवन कैसे हो जाएगा, एक महान संत के जैसा हो जाएगा। जो भी बोलेगा, अगर ऑफिस में बैठ के किसी को अगर कुछ डांटता भी है तो वो भी भक्ति कहला जाएगा। अर्जुन का सोना भी भक्ति था, अर्जुन का सोना भक्ति कहा गया है, क्यों, क्योंकि ना वो कृष्ण की सेवा में 100% शरणागत थे कृष्ण की सेवा, तो सोना भी भक्ति है, बोलना भी भक्ति है। तो प्रभुपाद जी कहते कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली बोलना बंद करके कितना समय बोलना बंद करोगे, इसके लिए धीरे धीरे आदत डालनी है। बोलना है तो कृष्ण के बारे में, ब्रजवासी गण भी गृहस्थ थे, ब्रजवासी गण गृहस्थ थे मगर बोलते थे कृष्ण के बारे में ही, वो बूढ़ा हो बच्चा हो वृद्ध हो या वो माता हो या प्रभु हो, कृष्ण का ही चर्चा। अभी घर पे पति पत्नी दोनों बैठ के क्या चर्चा है करते, फालतू का चर्चा है। कभी ऐसे हुआ पति पत्नी बैठ के चलो आज भागवत का चर्चा करते एक घंटा, अब देखिए ये बोलने के ये वाणी का नियंत्रण है। भागवत चर्चा नहीं करोगे झाड़ू खाओगे पत्नी के हाथ से, पति के हाथ से थापड़ खाओगे, सिंपल बात है। अगर भागवत की चर्चा हो गई घर पे तब तो कोई झगड़ा टंडा ही नहीं घर पे ना। तो इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए हमें, जैसे तैसे एन के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत, जैसे तैसे हमारा मन को हमारा वाणी को भगवान की सेवा में लगाए, और ये असलियत में वाणी का नियंत्रण है। बाचो वेगम कितना खतरनाक है वो प्रभुपाद जी ने बताया पहले, और इसको नियंत्रण कैसे किया जाएगा उसका उपाय बतला दिया। इतना सरल उपाय है, इतना सरल उपाय तो कोई आचार्य नहीं बताया होगा। आप संसार में कोई गुरु के पास चले जाओ आपको यही बोलेंगे मौन व्रत धारण करो, आपकी वाणी का कंट्रोल हो जाएगा अपने आप, यही बोलेंगे मौन व्रत, बोलना नहीं कुछ। मगर यहां पर बोलने के लिए प्रेरित की जाती, बोलना है बंद नहीं करना है, बोलना है, मगर बोलना क्या है, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में। तो ये वाणी का वेग का असलियत में नियंत्रण है। आगे कहते हैं मनोवेगम, मनोवेग या मन की अधीरता तभी बस में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। अभी चलो वाणी का वेग का तो फिर भी ठीक है यार, मन के वेग के बारे में अगर चर्चा किया जाए
तो यार हद बात है, मन का वेग इतना भयंकर, इतना भयंकर है, बिना बोले ही आपका मन इतना घूमता रहेगा, बोलना कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहो ऐसा, मन आपका कहां कहां घूमने का विचार नहीं, क्या क्या उसकी प्लान नहीं चलती है मन के अंदर, वो हर सेकंड में कितने कितने नोट्स बना लेता है मन। वो मार्केट में गोलगप्पे खाने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, वो कपड़ा खरीदने जाना है, ये बैठा आपने कहीं नहीं किया है और खूब प्लानिंग हो जाती है क्या क्या मन में। और इतना ही नहीं है, एक 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 सेकंड में कितना लोग को ऊपर क्रोध भी करने का इच्छा, कितना लोग के ऊपर प्रसन्न होने का इच्छा, कुछ खरीदने का इच्छा, अनेक हजारों लाखों इच्छाएं, मन की बेग तो पूछो ही मत। इस बेग को कैसे रुका जाए यार, अद्भुत है, बहुत अद्भुत है ये। अर्जुन भी हाथ जोड़ दी, प्रभु यार पूरब से बहने वाला हवा को, पश्चिम की ओर आने वाला हवा को रोक सकता हूँ, मन को प्रभु नहीं रोक सकता हूं, ये बड़ा कठिन है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म, अर्जुन जी कहते हैं भगवान चंचल ही मन, ये मन इतना चंचल है, इतना वेगवान है बाबा, कैसा है, बलवत दृढ़म, इतना बलवान है मन, ये मन व्यक्ति को नरक ले जाएगा, ये मन व्यक्ति को स्वर्ग ले जाएगा, ये मन व्यक्ति को वैकुंठ धाम ले जाएगा, ये मन। प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना, है सही बात है कि नहीं है, मन कितना खतरनाक है। यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार, जहां कृष्ण तहना ही माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है, यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना ही नहीं रह जाती है। क्या अद्भुत बातें हैं, आप कृष्ण का विचार करो, आपके मन में फालतू विचार आ ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, जहां कृष्ण तहां नहीं है माया अधिकार। मगर हमारा मन ऐसे ट्रेंड है, नाम जपते समय भी कृष्ण का स्मरण नहीं होती है, जप रहे तो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण मन में चल रहा है कितना कितना, या कृष्ण कृष्ण बोल रहे वहां कितना कितना, कितना मिलेगी, कितना कमाऊंगा, कितना घूमूंगा, कितना कितना कितना, हरे कितना हरे, कितना 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 हरे हरे, हम बोल रहे हैं कृष्ण, मन में कितना चल रही, क्योंकि ना मन इतना ट्रेंड हो चुका है गलत चीजों को विचार करने में, भगवत भक्ति में भी ये मन जो है गलत विचार ही करता है। मगर ये मन को अगर ऐसे ट्रेंड किया जाए ना, ये कहते हैं वो एक महात्मा कह रहे थे कि एक जिन था, जिन मुसलमान लोगों का जो प्रेत होता है उसको जिन कहते हैं, जिन सुना है आप लोगों ने, जिन ही कहते हैं ना मुसलमान लोगों का जो प्रेत होती है लोग जिन कहते हैं, ये एक प्रकार का जिन है। तो एक व्यक्ति शौच करने जाता था, तो आजकल की जैसा ऐसे टॉयलेट्स तो नहीं हुआ करता था, कहीं खेत में जाता था शौच करने, तो शौच करता और शौच करने के बाद जो उसकी लोटा में जो पानी रह जाता था वो लाके एक पेड़ के नीचे डाल देता था, जो भी पानी रह जाता था, तो डेली जाता था, एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गया, चौथा दिन गया, पांचवा दिन है ना, वो उस पेड़ में एक जिन रहता था, तो कहीं समय से प्यासा था, उसको पानी नहीं मिलता था, और ये व्यक्ति ही शौच करके जो पानी बचा हुआ पानी डालता था, वो पानी पी के वो प्रसन्न हो गया, वो जिन खुश हो गया, एक दिन प्रकट हो गया इसके सामने, बोले थैंक यू आपने मुझे पानी पिलाया, बोलो कुछ चाहिए तो बोलो। यार डर गई, ये कहां से आ गया, मैं कौन सा इसकी सेवा किया, बोले तू अच्छा सेवा किया मेरा, बोलो क्या चाहिए, बोलो कुछ तो बोलो नहीं तो खा जाऊंगा तेरे को, बोले यार मैं कहां फंस गया, कुछ बोलो नहीं तो खा जाएगा बोल रहा है, कुछ तो बोलो, मांगो जो मांगना है, बोलता यार मेरा घर टूटा हुआ है, तो तुरंत घर बना दिया। ये जादुई जिन था, तो बाबा फिर बोलो और कुछ है, बोलते यार गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी दे दिया तुरंत, और बोलो खाना चाहिए, खाना दे दिया, जो बोलता तो तुरंत दे देता था, फिर बोलो और बोलो नहीं तो खा जाऊंगा, बोला यार ये तो बड़ा खतरनाक है यार, ये तो मैं कहां फंस गया, नहीं बोलो तो ये खा जाएगा,
तो इसके मन में एक विचार आया, सब अभी सब पूरा हो गया था इसका, जो बोला एक बांस ले आया, बांस लाके वहां गाड़ दिया, बोला ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो नीचे उतरो, और ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, ऊपर नीचे होते रहना जब तक कुछ नहीं बोलता हूँ। वो जिन ऊपर चढ़ रहा है नीचे उतर रहा है, अच्छा उसको काम में लगा दिया, अब नहीं बोलता है खा जाऊंगा करके, उसको बराबर काम, चलो ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, और ऐसे ही होते रहना जब तक कुछ नहीं बोलता हूँ, बस हो गया उसका काम, उससे बच गया कि नहीं बच गया। ये मन ऐसा है, इसको एंगेजमेंट नहीं दोगे तब ये आपको फालतू चीजें कहां 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 कचड़ देगा। इसको ऐसे एंगेज करो कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना अमृत में, ये आपको फालतू चीजें विचार करने ही नहीं देगा। जब भी बुरे विचार आता है अच्छे विचार लाओ, तुरंत भागवत खोलो, तुरंत भागवत खोल के पढ़ो, या कोई कथा सुनो कीर्तन सुनो। मन को नियंत्रण करने में भक्ति में कितना आसान तरीका है, मंत्र दी गई है, मंत्र मंत्र का अर्थ पता है, शास्त्र में कहा गया है मनः तारयति इति मंत्रः, मन को नियंत्रण जो करता है वही मंत्र है जी। भौतिक तरीके से आप कोई मन को नियंत्रण नहीं कर सकता, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं बाहर संसार में, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, ना बोलने वाला माइंड को कंट्रोल कर पाया, ना सुनने वाला माइंड कंट्रोल कर पाता है। आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल यानी आप माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं मन को, तो मंत्र जपना होगा, मंत्र सुनना होगा, मंत्र बोलना होगा। मंत्र का अर्थ है मनः तारयति इति ही मंत्र, मन को तारण करने वाला, मन को कंट्रोल करने वाला। गीता के श्लोकों को उच्चारण करिए, अगर बुरा विचार आते हैं, बुरे अलग अलग इच्छाएं आते हैं, तुरंत गीता उठाओ, गीता के श्लोकों को पढ़िए, उच्चारण करिए जोर जोर से, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा वाव समन्विता मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तम परस्परम कथयन्तस्य मानित्यम तुष्यन्ति। बोलते बोलो जोर जोर से उच्चारण करो गीता के श्लोकों को, भागवत के श्लोकों को, इतना आसान है। मगर इस वही बोला ना, इस मन को एंगेज करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको नहीं छोड़ेगा, ये मन मन नहीं छोड़ेगा। तो जब भी आपको समय मिलता है, हम लोगों का इतना बुरी आदत हो गई है सभी का, जैसे समय मिलता है वैसे हम, समय तो समय मिलता कहाँ है, ये मोबाइल हमको समय देती है, संभव ही नहीं है, टाइम देगा तब ना कुछ टाइम पर। ये ऐसे एंगेज कर दिया हमको एंड्रॉइड फोन आके, पहले वो कीपैड वाला फोन तो फिर भी टाइम दे देता था, उसमें ज्यादा कुछ तमाशा था नहीं, वो सांप वाला एक गेम होता था, वो सांप खेल खेल के दिमाग खराब पटक देते थे, यार छोड़ो इसके क्या खेले, आप देखा होगा एक सांप का उसमें आता था गेम, वो सांप को जो आगे आगे बढ़ाना है, बड़ा बड़ा होगा वो सांप, हम खेलता उसमें तो पक जाता। इसमें इतना इतना वेराइटी है हमको टाइम पास करने के लिए, तो क्या टाइम देगा ये मोबाइल, टाइम ही नहीं। हमने सुना अभी परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज, नाम सुना है हलधर स्वामी महाराज जी का, उदयपुर भी आए थे, हलधर महाराज जी अभी गुरु बने, गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, तो अभी गुरु बने, उनको गुरु पदवी मिली इस्कॉन में। उन्होंने जिनको दीक्षा दे रहे हैं नियम क्या बनाए पता है, एक नियम उसमें ऐड कर दिए, एंड्रॉइड नहीं चलाना है तो मैं दीक्षा दूंगा, एंड्रॉइड नहीं चलाना है तब दीक्षा दूंगा। हम तो बोलेंगे मत दो महाराज, नहीं लेना मुझे दीक्षा, एंड्रॉइड बंद करेंगे, दिमाग खराब है, एंड्रॉइड नहीं बंद करेंगे। ये हमारे, आप बताइए जितने भी मन में फालतू चीजें आते हैं, ये मोबाइल के, ये डब्बा के पास, इसके लिए इसको कहते हैं महात्मा लोग इडियट बॉक्स है ये, सारे फालतू चीजें, कचड़ा है, इसको बराबर से यूज करना नहीं जानोगे ना। सर्प को पाल बैठा है हमने, जेब में लेके सर्प को घूम रहे, सांप को बराबर, अगर इसको, उसके लिए सर्प को कौन कंट्रोल कर सकता है, जो सफेरा होता है ना वो कंट्रोल कर लेता है, बराबर सफेरा नहीं बनोगे ना तब तो ये ऐसे डंक मारेगा, तब तो जिंदगी भी पछताओगे। तो इसके लिए, इसको चलाने के लिए सपेरा बननी पड़ेगी आपको, तब जाके इसको चला, नहीं तो ये ऐसा है
हमारे मन को कहां कहां ले जाती है। अच्छा चीज कम होती है इसमें, बुरा चीज बहुत होती है। जितना भी डकैती, जितना भी गुंडागर्दी, जितना भी बॉम्ब ब्लास्ट, जितना भी हत्या, जितना भी व्यभिचार, ये सारा इसी से होती है। और जितना भी बच्चे आज बिगड़े हैं मोबाइल के वजह से, माता पिता यार 100% ट्राई करते संस्कार देना, बच्चे फिर भी नहीं बनते। हो क्या गया मेरा, बच्चों को इतना समझा रहे हैं फिर भी। अरे जब उसके पास इडियट बॉक्स है तो कैसे समझेगा, इडियट ही बनेगा। और ऊपर से उसमें थ्री इडियट का पिक्चर भी आ गया, कैसे और अच्छा इडियट बन सकते। हमने बॉम्बे में था, सुना था कोई थ्री इडियट करके कोई पिक्चर आया, बोला यार ऐसे कैसे टाइटल देते हैं पिक्चरों का, थ्री इडियट। और जिसको जो देखेगा उसको तो कोई सभ्य व्यक्ति बनेगा, ऐसा कोई देखेगा तो इडियट ही बनेगा। कहने का तात्पर्य है प्रभु जी माता जी कि कुल मिलाकर हमारे मन को भटकाने के लिए माध्यम बहुत है हमारे पास। इसके लिए हमें जितना हो सके उतना हमारे मन को भगवान की सेवा में, भगवान की नाम जप में, कथा कीर्तन में लगाना चाहिए। हम एक घंटा जप के सोचते हैं कि हम 23 घंटा अपने मन को नियंत्रण कर ले, हो सकता है? आपको क्या लगता है, एक घंटा जप करके अगर ध्यान पूर्वक करोगे तो नियंत्रण हो सकता है? अगर ध्यान पूर्वक करोगे तो नियंत्रण हो सकती है, एक घंटा का जप हमको नियंत्रण कर सकता है हमारे मन को? मगर ध्यान से स्वल्पम नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर आप ध्यान से करते हो तब तो आप महतो भयात, आप ये सारे भय से बच जाओगे, ये सारे संकट से बच जाओगे, नहीं तो हमें कहां कहां ले जाएगा पता नहीं। तो ये मन के बारे में और विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में, अभी के लिए हम यही विराम देते हैं, समय हो गया। हरे कृष्ण। सो थैंक यू, हमारे वेडनेसडे वाले क्लास के भक्त लोग भी आज पधार गए हैं हरिला माता जी क्लास से, संगीता माता जी फरीदाबाद से, हरे कृष्णा, नेहा माता जी, तन्या माता जी, सविता माता जी थैंक यू, सुमन माता जी धन्यवाद। तो आप सबको भी स्वागत है। आज मैं देखा हुआ उस ग्रुप में आप लोग का क्लास कैंसल आया, तो मैं तो